यूट्यूब पर कई वीडियोज़ हैं जिनमें आप ऐसे प्लेसेस के बारे में जान सकते हो जहाँ एपरेंटली ग्रेविटी ने छुट्टी लेने का डिसीजन ले रखा है। सालों से यह टूरिस्ट और साइंस लवर दोनों के लिए इंटरेस्टिंग डिबेट का टॉपिक भी रहा है कि क्यों ग्रेविटी इन जगहों पर काम नहीं करती। क्या इनके नीचे किसी तरह का एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप को छुपाया गया है जिसकी वजह से ऊपर ग्राउंड पे अजीब तरह की एंटी ग्रेविटी वाली फील आती है। वेल गाइस, बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पीछे कुछ बहुत ही सिंपल बट ऑसम फिजिक्स है जिसके बारे में हम आज बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई जगह हैं जहां ग्रेविटी का यह वियर्ड बिहेवियर देखने को मिल जाता है, बट मेनली यह तीन तरह के हैं एंड इनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। नंबर वन, ग्रेविटी हिल। प्रकृति ने कई खूबसूरत चीज़ों को बनाई है, इन्हीं में से एक है ये वादियाँ, बट इनकी नेचुरल ब्यूटी ही एकमात्र कारण नहीं है जो आपके जैसे क्यूरियस लोगों को इनकी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि ये वादियाँ रियली में वियर्ड है एंड आई मीन इट। अगर घूमने का शौक हो तो एक बार जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख नाम की इस जगह में जरूर जाना एंड अपनी कार या बाइक के इंजन को बंद कर देना। अमेजिंगली आपकी कार या बाइक नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगेगी पहाड़ की नोक की तरफ। है ना वियर्ड, बट ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे कई जगह पूरे वर्ल्ड में बिखरे पड़े हैं जहाँ ऐसे इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लोकल्स की माने तो यहाँ भूतों का साया है, बट आई अश्योर यू यह बस एक इल्यूजन है। इन सभी जगहों में जहाँ ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं में एक चीज़ कॉमन है, वेजिटेशन। इन जगहों के आसपास इतनी हरियाली है या इन रीजन्स के लेआउट की वजह से हम इनके ट्रू होराइजन यानी जहाँ पे आसमान और ज़मीन सच में मिलते हैं को नहीं देख पाते एंड हमें जो देखने को मिलता है उससे हमारा माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, जिससे हम अपहिल को डाउनहिल समझ बैठते हैं एंड डाउनहिल को अपहिल, कुछ कुछ इस डेमोन्स्ट्रेशन की तरह। वेल, देखने में तो यह भी वही ग्रेविटी हिल टाइप का लग रहा है। डज दैट मीन यहाँ भी एंटी ग्रेविटी है? अरे नहीं, ये सब तो कैमरे का खेल है। असली चीज़ तो यह है, क्योंकि कैमरे में दिखने वाली सभी चीज़ को हमने टिल्ट करके रखा था, इसलिए आपका माइंड कंफ्यूज हो गया कि असली डाउन कौन सा है एंड ये पास की फ्लैट चीज़ को ही ग्राउंड समझ बैठा, जिससे आपको ये लगने लगा कि ये चीज़ें नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन ग्रेविटी हिल्स के साथ भी हो रहा है, बट लार्ज स्केल पे। नंबर टू, मिस्ट्री स्पॉट। सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया में स्थित यह प्लेस टूरिस्ट और साइंस लवर के लिए एक अट्रैक्शन का स्पॉट है, क्योंकि इसके अंदर आप दीवालों पे चल सकते हो, वो भी स्पाइडरमैन स्टाइल बिना गिरे हुए। बट हाउ? वेल सी, इनमें से सभी इमेजेज में कोई भी इंसान फ्लोर पे सीधा खड़ा नहीं है, जो इस सवाल को खुद खड़ा करता है कि व्हाट इफ ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसा हो। यह मिस्ट्री स्पॉट की मिस्ट्री को पूरी तरह से हटा देगा, क्योंकि अब यह बस एक विजुअल इल्यूजन है जो इस बात का यूज करके कन्फ्यूज कर रहा है कि हम हमेशा ग्राउंड को ही ग्राउंड फ्लोर यानी हॉरिजॉन्टल लेवल मानते हैं, बट रियली इस रूम का ग्राउंड 20 डिग्री टिल्टेड है। रूम को अंदर से देखने में तो यह पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी बहुत ही कन्फ्यूज होता है, बट बाहर से यह थोड़ा बहुत ऑब्वियस होता है। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि इस टिल्ट को बहुत ही अच्छी तरह से आसपास की झाड़ियाँ और फॉरेस्ट की मदद से छुपाया गया है, जो इस इल्यूजन को एक अलग ही लेवल का बूस्ट देता है। नंबर थ्री, वाटरफॉल एट फरू आइलैंड। बस 2 सेकेंड इस खूबसूरत से झरने या वाटरफॉल को देखो, कितना खूबसूरत और अजीब है ना? लगता है मानो कार्टून की तरह यहाँ वाटर भी ग्रेविटी को भूल गया एंड नीचे जाने के बजाय उल्टी ऊपर जाने लगा। वेल, पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि वाटरफॉल फिजिक्स के सभी लॉज को ब्रेक कर रहा है, स्पेशली फ्लूइड डायनेमिक्स, बट नो, यहाँ एक इनविजिबल फैक्टर है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या बता सकते हो वो कौन सा फैक्टर है? अगर आपका जवाब विंड यानी जोर से बहती हुई हवाओं के झोंके थी तो ऑसम। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से इस वाटरफॉल के वाटर पे एक फोर्स लगता है जो इतना स्ट्रांग होता है कि इवन ग्रेविटी को काउंट्रैक्ट कर सकता है एंड हमें यह वियर्ड सा वाटरफॉल एज ए रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्ट यही चीज़ हूवर डैम नवाडा में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर लाइफ का भी मौका दे तो यहाँ एक बार जरूर जाना एंड ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जरूर करना, अपने वाटर बॉटल से वाटर को बाहर निकाल कर फेंकना एंड वियर्डली ये भी नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगेगा। एंड प्लीज़ गाइज, इस होप में कि जैसे वाटर ऊपर जा रहा था आप मत घुस जाना, वरना लिटरली मेरा एक व्यूअर कम हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। गाइज, आपको इनमें से कौन सा ग्रेविटी डिफाइंग इल्यूजन सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट तो ग्रेविटी हिल था एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर तो करना बनता है। एंड हाँ, आने वाले समय में किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहोगे हमें यह भी कमेंट में जरूर बताना एंड स्टे क्यूरियस, क्योंकि लर्निंग का फर्स्ट स्टेज क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस पूछना है। तो हमें कमेंट में उन सभी क्वेश्चंस को शेयर जरूर करो जो आपको परेशान करती है एंड हम रिप्लाई जरूर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोज में फीचर भी।
So guys, see you in the next video. Till then, happy physicsing.